हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की नवरात्रि फोटो एडिटिंग करेंगे। सो गाइस, नवरात्रि पे हमारी और भी वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहीं से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में आने के बाद इसको कर लेते हैं इंस्टा पोर्ट्रेट पे क्रॉप। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद वापस टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं। इसको करते हैं 80, 82, 81। इसको करते हैं 81। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाला आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके कैपेसिटी को हल्का सा लो कर देते हैं, 60 करते हैं। उसके बाद साइज को अपने हिसाब से इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसको कर लेते हैं हल्का सा और सेट। इधर कर लेते हैं डन। उसके बाद सिंपली हम ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने मॉडल को कर लेते हैं चूज। उसके बाद कटआउट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके साइज को कर लेते हैं कम। उसके बाद इसको कर लेते हैं कट। इधर कर लेते हैं डन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कटआउट होके रेडी हो चुका है। उसके बाद इसको कर लेते हैं सिंपली सेट। इसको और छोटा कर देते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे कर्वेज में। कर्वेज में आने के बाद इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इनवर्ट। इनवर्ट करने के बाद फेस पे इसको कर लेते हैं रिस्टोर। आप देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिंपली हम ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं रोटेट। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेते हैं स्क्रीन। उसके बाद इसको कर लेते हैं नीचे सेट। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इसको करते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद सिंपली हम एडजस्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका कर लेते हैं कलर चेंज। हुई में आ जाएंगे, इसको हल्का सा ऑरेंज कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेट। इधर से कर लेते हैं डन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद सिंपली हम इसको कर लेते हैं सेट। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इसको इस साइड कर लेते हैं जिससे कि अच्छा लगेगा। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने लाइट PNG को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेते हैं स्क्रीन।
उसके बाद इसकी कैपेसिटी को कर देते हैं लो। इधर से कर लेते हैं डन। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद हम ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने लास्ट पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं ऊपर सेट। इधर से कर लेते हैं डन। सो गाइस उसके बाद हम ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद सिंपली हम इसको कर लेते हैं सेट। इसको और बड़ा कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं डन। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।